अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग मैथ्स की बुक्स लेकर आप परेशान हो चुके हैं तो इस समस्या का हल करने के लिए इस रविवार 10 सितंबर सुबह नौ बजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसी मैथ्स की बुक्स जिनको एक बार लेने के बाद आपके सभी एग्जाम कवर होंगे चाहे वो एस एस सी सी हो जी हो सी पी हो रेलवे हो यूपीएसआई हो या फिर दिल्ली पुलिस हो तो सभी एग्जाम्स के लिए मात्र एक ही बुक इस रविवार सुबह नौ बजे दस सितंबर को पूरी जानकारी के लिए जुड़िए एस अड्डा ट्वेंटी फोर जय हिंद जय भारत हेलो दोस्तों क्या अलग अलग नमस्कार दोस्तों ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है तो भैया आज आठ सितंबर हो गया अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है मतलब बड़े लेवल पे पढ़ाई लिखाई की बातचीत होगी तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोगों को क्या बेहतर क्या बेहतरीन और क्या मजेदार मिल सकता है ठीक है ना हम लोगों को क्या बेहतर क्या बेहतरीन और क्या मजेदार मिल सकता है कुछ ऐसे अब देखो ये सब जो थॉट ऑफ द डे मुझे लगता है उन लोगों के लिए अप्लीकेबल होते हैं जो वास्तव में थोड़ा सा आ, टाइप के हों और जो कुछ काम को अपना करना चाहते हों बाकी मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि ये सभी लोगों के लिए होता है कुछ तो ऐसे खलियर टाइप के लोग होते हैं जिनको किसी चीज से कोई मतलब है नहीं है देश दुनिया भविष्य कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है उनको मतलब क्या ही बोले ठीक है अच्छा एक बात बता दें मजा लेते हुए पढ़ा जाएगा और आनंद से पढ़ा जाएगा उसके अलावा कोई ऐसा कार्य आज द टेन मिनट शो भी है जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एक आपका वो रहता है क्या बोलते हैं <coughs> hmm, क्या चीज हाँ इंडिया और भारत इस मुद्दे पे बड़ी चर्चा चल रही है कि सर इंडिया भारत है कि भारत इंडिया है आजकल बड़ा वो समस्या हुआ है तो आज जो मैं आपके लिए द टेन मिनट शो लेने वाला हूं वो इंडिया और भारत के ऊपर ही है ठीक है ना वो इंडिया और भारत के ऊपर है लेकिन उससे पहले तिरंगा आया है तो उसको क्या किया जाएगा सैल्यूट किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का क्या अच्छा हो सकता है क्या बेहतर हो सकता है और क्या बेहतरीन हो सकता है तो आज हम लोग पचास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सेशन लेंगे अच्छा तुम लोग के हिसाब से इंडिया और भारत कौन सा अच्छा लग रहा है देखो भैया हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे हैं मुझे तो लगता है जो इंडिया है वो भारत है जो भारत है वो इंडिया है क्योंकि हम लोग इंडिया है हम लोग हम लोग हिंदुस्तानी ठीक है ना हाँ तो ये सारे चीजों को हम लोग करेंगे और निश्चित तौर पे इन चीजों को हम लोग आगे बढ़ा देंगे ठीक है ना निश्चित तौर पे हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ा देंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं ठीक है ना और फिर देखते हैं कि क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं हाँ वो पानी ग्लास वहीं पर रख दीजिए ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आप जाइए तो चलो भैया शुरुआत कर लें आज के सेशन का और फिर देखते हैं कि आज के सेशन में क्या अच्छा हो सकता है और क्या आ, हाँ सर नाम में क्या रखा है नहीं बेटा नाम में बहुत कुछ रखा है ये जिसने लाइन लिखी है ना कि नाम में क्या रखा है वो उसके नीचे भी अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखा है कि इस लाइन को भी मैंने दिया था ठीक है चलो सतरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है सतरिया या सतरिया नृत्य देखो आज मैं आपको बहुत क्लियर कर दू इस तरीके के खूब क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं इस तरीके की खूब सादा अब सतरिया नृत्य है तो ऑप्शन असम में अभी तक कितने क्लासिकल डांस हैं तो सर आठ हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे अब नोवा भी रो में लगा हुआ है और नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं एक आपके लोक नृत्य होता है एक आपके शास्त्रीय नृत्य होता है तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या अगर एग्जैक्टली देखी जाए तो एक अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पेपर आया था आठ है ग्रीष्म आयानत मतलब समर सॉलिड सिटी कब होता है ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग पांचवी से रटते आ रहे हैं तो इस पर हम नहीं ज्यादा डिस्कस करेंगे निम्नलिखित देश में किस देश में टिग्रिस नदी बहती है बताइएगा टिग्रिस नदी किस देश में बहती है तो टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन है इराक या मिस्र को तो हम लोग नील नदी का देन कहते हैं अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं भारत में आपकी सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है गंगा एक बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा नदी की तुलना इटली के किस नदी से की जाती है गंगा नदी की तुलना इटली के और आपको बता दें यूरोप को यूरोप का इटली जो आपके यूरोप का भारत क्षमा करिएगा यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है तो, तो वो आपके इटली को कहा जाता है तो यूरोप का भारत ठीक है ना तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है और इटली की वो नदी कौन सी है दैट इज पो नदी ठीक है ना उस नदी का नाम क्या है आपके पो नदी पो नदी को इटली का आ, गंगा कहा जाता है पो नदी को इटली की गंगा अगला ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विश्व के पहले क्लोन को कौन सा नाम दिया गया था देखिए सर ये क्लोन को नाम दिया गया था डॉली ठीक है ना जो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने तैयार किया था <coughs> सिक, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर एग्जाम एनालिसिस लल्ला बताए जो लोग एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं एस एस सी वाले ना जिनका एग्जाम क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं शुरू के दो चार दिन सबको जोश रहता है उसके बाद किसी से पूछो भाई जीएस में अरे या तो उनका एग्जाम गड़बड़ा गया है या तो बता नहीं रहे तो क्या अगर शाम को एक्सपेक्टेड तो करा ही सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तो डिस्कस हो ही सकता है और अब जीडी का फॉर्म अब आप समझ ही रहे हैं ठीक है ना तो ये इसका आंसर होगा पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी ठीक है ना सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक देव जी थे जिनको काली बेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई अगला गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था बताइएगा गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला तो आपके जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक कौन था अहमद शाह प्रथम वैसे जजिया कर लाने वाला आपके कौन था वो क्या उसका नाम था यार जो 712 में अटैक किया था अब वो देखो अब मोहम्मद बिन कासिम ठीक है ना मोहम्मद बिन कासिम ये ये पहला व्यक्ति जिसके समय 712 एडी में भारत में लगा ब्राह्मणों पे सिर्फ जजिया कर लगाने वाला कौन था तब आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ये सिर्फ ब्राह्मणों पे ये पूरे मतलब पहली बार भारत में जजिया कर लाने वाला और ये गुजरात में जज किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया दैट वाज अकबर रीइंट्रोड्यूस हुआ फिर फाइनली वो 1857 के आसपास जाके समाप्त हुआ एक्सरे के आविष्कारक कौन थे एक्सरे के आविष्कारक एक्सरे रटा हुआ है रोटेंजन रोटेंजन ही थे ना एक्सरे के आविष्कारक लिपुलेख दर्रा लिपुलेख माना और नीति ये तीन ऐसे दर्रे हैं जो आपके पेपर में अक्सर छपते रहते हैं और तीनों के तीनों कहां हैं उत्तराखंड में हैं तीनों के तीनों उत्तराखंड के लिए हैं ठीक है ना दुबे जी मैं आपकी बात सुनूंगा मेरे भाई ठीक है ना दुबे जी मैं बात आपकी सुनूंगा निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है मतलब ये तो इसे लिखा हुआ जैसे कि वहां जाइए झील में से एक प्लेट नमकीन निकालिए और चाय लेकर के उड़ाना शुरू कर दीजिए कुछ ऐसा नहीं सर कुछ ऐसा नहीं है ठीक है ना तो हाँ बिल्कुल भैया आप एम के लिए इसको पढ़िए जी के लिए पढ़िए एस का सिलेबस ये सब कॉमन क्वेश्चन है यार चाहे तुम जीडी के लिए पढ़ लो एमटीएस के लिए रेलवे के लिए कॉमन क्वेश्चन है म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्नलिखित में से कौन है अब यहीं पे एक क्वेश्चन यह भी खूब आता है एसएससी में म्यांमार का शोक म्यांमार का शोक किस नदी को कहते हैं म्यांमार का शोक यह आपसे पूछता है किस नदी को कहा जाता है तो म्यांमार का शोक किस नदी को कहते हैं इरावदी क्लियर है ना यह भी पेपर में आपके रहता है म्यांमार का शोक इरावदी नदी को कहा जाता है यही प्राचीन समय में बर्मा था और म्यांमार का सबसे बड़ा शहर यांगून यांगून है अगला नीली क्रांति किससे संबंधित है भाई रटा हुआ है मछली पकड़ने संबंधित है ठीक है ना मछली मछली पानी में तैरती हैं और किस व्यक्ति को भाई बड़ा देखो अनोखी बात बता दी ना कि मछली पानी में तैरती हैं किस व्यक्ति को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है बताइएगा फ्लाइंग फिश बताओ वह कौन सा व्यक्ति है जिसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है बहुत फेमस खिलाड़ी हैं और एक हल्का सा हिंट दूं तो अमेरिका के हैं अब बताओ फ्लाइंग फिश कौन है गड़बड़ा गया ना तो माइकल फ्लिप्स कौन है अरे सर गोल्ड मेडल की झड़ी इन्होंने लगा दी थी माइकल फ्लिप्स ठीक है ना माइकल फ्लिप्स को फ्लाइंग फ्लि भी कहा जाता है याद आ गया होगा आप सभी को क्लियर है आप सभी को याद आ गया होगा अगले पॉइंट पे आएंगे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है ठीक है ना लल्ला एम की क्लास के लिए ये सारे क्वेश्चन एम एग्जाम के लिए जी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ना एको मिल्खा सिंह लिख रहा है फ्लाइंग फिश में मारेंगे ना उसे बोल्ट एक को लिख रहा है पागल हो गए हो क्या उसेन बोल्ट मिल्खा सिंह को कब फ्लाइंग फीस कहा जाता है भाई राष्ट्रपति के चुनाव किस देश से लिया गया है सर आयरलैंड जो पद्धति है प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो आयरलैंड से है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां है सर इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं पिग्मोलियन पॉइंट भी कहते हैं ठीक है ना और ये कहां पड़ता है सर ग्रेट निकोबार में पड़ता है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया गया था एक्चुअली अब याद करो कि उन्नीस ईस्वी में जो मिल के मजदूर थे बोनस बढ़ाने के मुद्दे पे अंग्रेजों से मिल मालिकों से भिड़े हुए थे कि हमारा बोनस दो उसी आंदोलन को 1918 में गांधी जी ने इनिशिएट किया था यह गांधी जी के द्वारा किया गया ऐसा आंदोलन था जिसमें वो पहली बार पर रहे ठीक है ना मतलब भूखे प्यासे रहे तो यह क्वेश्चन भी कई बार आता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन जिसमें वो स्वयं फास्ट पे रहे अनसन पे रहे तो ये और गांधी जी का पहला किसान आंदोलन कभी भी आ, वो चंपारण टिक करके मत आना खेड़ा है ठीक है वो भी ध्यान रखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है आज आपको बता दे द टेन मिनट शो है ठीक है ना आज द टेन मिनट शो है ये आपके लिए ध्यान होना चाहिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बी ऑप्शन आर्टिकल 110 में ये वाला जो क्वेश्चन है ये ये अभी जो एम का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था ठीक है ना ये और अनुच्छेद तिरानबे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसी में आपके लोकसभा के उपाध्यक्ष मतलब कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद की चर्चा की गई है आर्टिकल में और ये अभी एमटीएस के पेपर में कुछ समय पहले आया था अगला पहलेसठ में जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे बताइएगा भारत के कार्यवाहक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा जी गुलजारी लाल नंदा जी अगला निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे बताइएगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पास रिकॉर्ड है यह अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है सोच समझ के बताइएगा अंडमान और निकोबार जो क्षेत्राधिकार है वह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है बी ऑप्शन कलकत्ता के अंतर्गत नेक्स्ट भारत में लोकसभा का चुनाव कौन कराता है निर्वाचन आयोग संघ से लोक सेवा आयोग संसद या परिसीमन आयोग मैं आप सबको कहना चाह रहा हूं कि देखो एम के चुकी स्टूडेंट्स बाहर निकलने के बाद क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम कम हो रहा है ना लड़कों की संख्या कम होती जा रही है अब लल्ला वो बता ही नहीं पा रहे हैं तो मैं क्वेश्चन फेक तो करवाऊंगा नहीं तो वो और दूसरी चीज आप जीडी की तरफ हमला बोल दो ठीक है अब जितने बच्चों का एमटीएस बचा है वो अपना करेंगे और उनके साथ हम लोग हैं एनालिसिस का मैं क्वेश्चन शॉर्ट्स के माध्यम से और इंस्टा पे इधर उधर प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है ना क्योंकि तुम मान लो जैसे मान लो बीस लाख बच्चों को एग्जाम देना था तो उसमें से सात आठ दस लाख दे दिए जो भी इस समय में सात आठ लाख दे दिए उसके बाद अब ड्रॉप हो रहे हैं सब और इस बार के एमटीएस की एक और खासियत जानो बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट हो रहे हैं न जाने क्यों एब्सेंट हो रहे हैं ठीक है ना रोलेटैक्ट जिसे काला कानून या अंधा कानून बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा था गांधी जी ने विदाउट बैरिस्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट लॉ भी कहा गया था वो ये था ठीक है ना ये यह चेम्सफोर्ड नेक्स्ट पॉइंट भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक हासिल करने घोषणा की है आज मैं आपको यह बताऊं कि आज एक ऐसे मुद्दे पे आपका मैं द दिन मिनट शो लेने जा रहा हूं जिसको कि आप सुनेंगे तो कहेंगे वाओ सर मजा आ गया आपको बता दूं कि आपके 18 सितंबर 18 सितंबर उन्नीस के दिन संविधान में एक डिस्कशन हुआ था संविधान सभा में कि भारत इंडिया नाम रहेगा इस देश का या इस देश का नाम इंडिया रहेगा या इस देश का नाम इंडिया रहेगा फिर से 18 सितंबर की डेट आने वाली है और मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है कि भैया संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है और यहां पे आज देश में चर्चा है कि क्या अब ये देश भारत जाना जाएगा या इंडिया जाना जाएगा क्या इसे महज एक सहयोग कहा जाए कि फिर वही डेट आने वाली है 18 सितंबर उन्नीस जिस दिन एक बार संविधान सभा में यह चर्चा हुआ था और अब फिर वही डेट आने वाली है जिस दिन कुछ दिनों बाद संसद का विशेष सत्र मोदी जी ने बुलाया है आज इसी मुद्दे पे इंडिया या भारत इसी मुद्दे पे द मिनट्स शो है ठीक है ना आज इसी मुद्दे पे द टेन मिनट शो है डी ऑप्शन 2070 अगला अभी हाल ही में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया यह कहां स्थित है ठीक है ना देखो आज देश की बात है आज सभी लोग चूंकि आज भारत हिंदुस्तान इंडिया इस पे चर्चा है तो मैं आज सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो द टेन मिनट शो है वो आपको छोड़ना भी नहीं है दूसरी भी एक वजह है आज शायद आप लोग को न याद हो अड्डा चैनल क्या यूट्यूब के अभी तक के इतिहास में द टेन मिनट शो शुरू करने वाला मैं फैकल्टी फिर उसको कई लोगों ने शुरू किया कई लोग करते रहते हैं ठीक है सब अपनी जगह अच्छी बात है लेकिन आज उसका सोवा एपिसोड पूरा होने जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस सोवा एपिसोड में आप लोग रहें जो आज सात बजकर चालीस मिनट होगा लेकिन मैं सोच रहा हूं इस रविवार को एक बड़ा इवेंट करूं एक सौ एकवा जब आप सौ कंप्लीट हो जाए तो जो एक सौ एकवाट हो वो बहुत शानदार हो देखो एक स्टूडेंट कह रहे करें सर आज एम में कबड्डी के मैदान से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ठीक है अच्छी चीज है मैं उस पर भी बात करूंगा तो ये तो कन्याकुमारी में अगला भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है बताइएगा भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है ठीक है ना बताना कौन प्राकृतिक तो सर इसमें जो आपके पारा दीप है ये प्राकृतिक में काउंट नहीं होता है गोबर धन योजना किसके द्वारा संचालित की जा रही है किसके द्वारा तो गोबर धन योजना सी ऑप्शन केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का संबंध और आज तुम लोग को एक चीज बताता हूं आज मैं तुम लोगों को डिस्कशन दिखाऊंगा आज के द टेन मिनट शो में कि इस देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया इसके ऊपर अंबेडकर जी की एक समिति बनी थी और एक केवी कामत नाम के व्यक्ति थे जिनके बीच में और अंबेडकर जी के बीच में 18 सितंबर उन्नीस को एक जोरदार बहस हुई थी जिसमें कमलापति त्रिपाठी जी और अन्य उस समय के नेता संविधान सभा के पार्टिसिपेट किए थे फिर वोटिंग हुआ था कि इस देश का नाम इंडिया होगा या भारत होगा केवी कामत भारत के पक्ष में थे और अंबेडकर जी कह रहे थे इंडिया भी ठीक है कमलापति त्रिपाठी जी ने बीच का रास्ता सुझाया था कि ऐसे लिख लो कि इंडिया दैट इज भारत इंडिया जो भारत है समझ रहे हो ना ऐसे मैं आज आपको द टेन मिनट में बताऊंगा कि क्या रहेगा और मजेदार बात जानते हो तुम लोग मोदी जी अभी जो आसियान की बैठक में भाग लेने गए थे ईएएस और आसियान की बैठक में वहां से भी जो लेटर आया हम लोगों ने तो जी ट्वेंटी के मेहमानों को जो आमंत्रण पत्र दिया कि 9 सितंबर की रात में 8 बजे द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से लेटर गया कि आप सभी जी ट्वेंटी गेस्ट के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष आए उनके लिए राजकीय भोज है उस पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और जो इंडोनेशिया से जकार्ता से जो भारत के लिए लेटर आया उस पर भी मोदी जी के लेटर पे जकार्ता और इंडोनेशिया ने जानते हो क्या लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा अब बड़ा समस्या उठा है आज इसी पे सब कुछ बताऊंगा ठीक है ना देखते हैं क्या रहता है कार्ले चैत्य कहां स्थित है बताइएगा चैत्य कहां स्थित है सर चैत्य की गुफाएं में कार्ले की चैत्य की कनहेरी की आपके अजंता की एलोरा की ये सब महाराष्ट्र में है नागर शैली की विशेषता क्या है सर नागर शैली अक्सर उत्तर भारत में पाया जाता है ठीक है ना अक्सर उत्तर भारत में पाया जाता है और राइट आंसर चौकोर गिर गर्भ स्क्वायर फॉर्म में जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली के माने जाते हैं जो स्क्वायर फॉर्म में होते हैं उपनिषद का फारसी भाषा में सर उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसके काल में हुआ था शाहजहां इसी का लड़, बड़ा लड़का हुआ करता था ना जिसका नाम था दारा सिकोज जिसने उपनिषद को फारसी भाषा में कन्वर्ट करके उसका नाम सर ए अकबर रख दिया था अकबर मतलब होता है महान सर मतलब होता है रहस्य तो उपनिषद को जब उसने कन्वर्ट किया था तो उसका नाम रख दिया था महान रहस्य की किताब और याद रखना दारा सिको को किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून भी कहा जाता है मतलब कि किंग ऑफ लॉफ्टी अभी हिंदी उसकी नहीं याद शाह बुलंद इकबाल शाह बुलंद इकबाल दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है लघु अकबर अगला पॉइंट हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा एम टी एस का ऐसा कोई दिन का पेपर नहीं है जब एक बुक एंड राइटर उठा करके आपसे पेपर में न पूछ रहा हो तो यह भी इंपॉर्टेंट बनता है ठीक है ना तो इसका राइट right आंसर होगा विगनेश्वर नेक्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध जो चौथे नंबर का हुआ था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तो आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था सर अभी तो हम लोग चंद्रमा उंद्रमा की बात कर रहे हैं सूर्य की बात कर रहे हैं अभी जापान ने भी स्लिम नाम से अपना सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पे ले जाने के लिए पांचवा देश बनने की श्रेणी में आ गया है उसने भी अपना यान छोड़ दिया है तो शुक्र ग्रह का नाम था मैगलेन ठीक है ना ये याद रखना पूछ सकता है सालसेट एवं एलिफेंटा द्वीप स्थित है अरे इसी सालसेट द्वीप पे तो मुंबई स्थित है और अगर मुंबई की बात आई तो कोंकण तट वो गोवा महाराष्ट्र कोंकण तट ही है अगला कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बंबई किस द्वीप पर स्थित है सात टापुओं का सर तो बंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है आपके मुंबई हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में स्थापत्य में प्रमाण कहां से मिले हैं शैलिकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कोटक जी से संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है बताइएगा मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान करता है तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान अनुच्छेद तीन करता है अनुच्छेद तीन सौ अट्ठावन मैं आप जितने लोग मुझे अभी करीब तैतीस सौ के आसपास साढ़े बत्तीस सौ स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मैं एक सेशन लेने वाला हूं भारत और इंडिया ठीक है ना भारत और इंडिया के ऊपर जो इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा में आपको मैं कुछ ऐसा उसमें समझाऊंगा बताऊंगा कि आप जब पब्लिक प्लेस पे भी होगे ना और ये चर्चा होगे ना तो आप बड़े तर्कसंगत ढंग से अपने आर्गुमेंट को रख पाओगे तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी जो मैं द टेन मिनट शो शुरू करने वाला हूं उसमें आपको रहना है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है बताएगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रकाशित करता है ठीक है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है नेक्स्ट लाल पांडा बांध कहां पाया जाता है वेयर इज द लाल पांडा डैम लाल पांडा डैम है भैया सिक्किम में जैसे सिक्किम का नाम है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर देखो चर्चाओं में रहा है आपके पेपर में मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएगा तो वो ध्यान दे करके अभी हाल ही में प्रख्यात नील पवन बरुआ का निधन हो गया वे कौन थे नील पवन बरुआ जो थे मेरे लल्ला वो बी ऑप्शन कलाकार थे दो बार ऑप्शन आ गया खैर कोई नहीं <laughs> निम्न में से किस स्थान पर चिनाब वाइट राइट राफ, वाटर राफ्टिंग महोत्सव की शुरुआत की गई है यह महोत्सव की शुरुआत हुई है जम्मू कश्मीर में ठीक है जम्मू कश्मीर किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया ईरान चीन नॉर्थ कोरिया सोमालिया

श्वेत क्रांति का संबंध सभी को पता है दुग्ध से महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में आया था क्यों ठीक है ना तो ये आपके ए ऑप्शन ड्यू टू अर्थक्वेक अच्छा आप लोग में से आप लोग में से कितने लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं जीडी का अभी द टेन मिनट सो भी है ठीक है ना अभी द टेन मिनट सो भी है भारत और इंडिया वाले मुद्दे पे। तुरंत आपके लिए द टेन मिनट शो भी है अंतिम मुगल शासक कौन था ऑप्शन बहादुर शाह जफर सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय जी मेरी एक बात आप जरा समझ लेना मेरे दोस्त जितने लोग मुझे सुन रहे हो जिसको मेरी बात ना सुनना हो दस मिनट बाद वो इंडिया या भारत वाले दर टेन मिनट शो में आ जाएगा पांच मिनट में यहां आपसे बात करना चाह रहा हूं जितने लोग भी सेशन ले रहे हो आपके लिए ये एक बड़ी लॉन्चिंग होने वाली है सर के बुक की संडे को और चार बड़े उपहार 10 सितंबर लाइव 6 पीएम भी आने वाला है तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज और प्लीज आप सभी लोग इन दोनों सेशन में ये 10 सितंबर को शाम छह बजे है और ये रविवार को आज आपके 8 सितंबर हो गया शुक्रवार शनि और ये सुबह में नौ बजे है ये सुबह में हिंदी और इंग्लिश में सर की बेहतरीन बुक लॉन्च होने वाली है ये आपके लिए जो ये गिफ्ट है वो भी और ये भी अच्छा उसके अलावा आपको बताएं मेरे दोस्त मेरे भाई कि जितने लोग मुझे देख रहे हो मुझे ईमानदारी से बताओ इसमें जीडी कितने लोग देने वाले हो ठीक है ना हाँ लल्ला जीडी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है ठीक है जीडी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और मैं आपको बताऊं कि जीडी की वैकेंसी आपके आ रही है 24 तारीख को मेरी बात को ध्यान से समझना ये जो एस एस डबल वैलिडिटी पे चल रहा है SSC GD का महा पैक। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस SSC GD के महा पैक में 12 तारीख को हम लोग का वर्दी बैच आ रहा है जो आपको इसमें मिल जाएगा मेरी बात समझना आप जो तैयारी अभी करके चल रहे हो ना आपने अभी अभी एम की तैयारी की है आप में से सभी लोगों ने लगभग दिल्ली पुलिस आप लोगों में से आप में से बहुत सारे दोस्त बिहार कांस्टेबल एमपी पीएससी एमपी पीएससी नहीं कांस्टेबल वगैरह का फॉर्म भरा है तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं जीडी का सिलेबस उससे टफ नहीं है इजी है और 2024 में जो नौकरी ले लिया वो ले लिया जो नहीं लिया वो समझ लो कि अपना नुकसान करवा रहा है आपका स्वयं का नुकसान है उसमें और जन्माष्टमी की वजह से इस पर डबल वैलिडिटी चल रही है ठीक है ना डबल वैलिडिटी चल रही है तो मेरा कहा मानना मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूं कि एस एस सी जी डी कॉन्स्टेबल का ये जो बैच है आपको ये कूपन कोड लगाना है कौन सा वाई वन एट टू ठीक है ना कूपन कोड लगाना है वाई वन एट टू और समझ लेना कि ये कूपन कोड लगाने के बाद आप हमारे अड्डा की जिम्मेदारी बनते हैं दूसरी चीज कि देखो मैं क्यों इतना दबाव दे रहा हूं कि जीडी का फॉर्म भरो मैं क्योंकि जानता हूं हजारों वैकेंसी आज डबल वैलिडिटी चल रही है 24 नवंबर को हजारों वैकेंसी आएगी जब तक वैकेंसी आएगी 12 सितंबर को अभी दो दिन बाद बहस शुरू हो रहा है हम लोग एक राउंड उसको पूरी टीम मिलकर के खत्म कर देगी इसी में देखो तुम्हें उन्नीस वीडियो मिल रही है आपको देखो 160 के आसपास टेस्ट सीरीज मिल रहा है तेईस सौ तुम्हें करीब करीब तेईस सौ टेस्ट सीरीज और 160 ईबुक ई बुक और 500 घंटे से ज्यादा की आपको क्लास लगभग 500 घंटे से ज्यादा की क्लास तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कूपन कोड Y182 लगा करके इस डबल वैलिडिटी के बैच के साथ कौन से और इसमें तुम्हें देखो लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही वीडियो कोर्सेज भी टेस्ट सीरीज भी और ई बुक्स भी ये भी मिलेगा और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जितना मैक्सिमम ऑफ हो सकता है 77 78% क्विनवाइन लगा के हो सकता है आप 79% तक पहुंच जाए आपको ये मिलेगा लेकिन कूपन कोड Y182 निर्णय लेना है हो सकता है तुम दिसंबर जनवरी में जाकर निर्णय लो जब इसका रेट बढ़ गया हो ऐसा मत करना टाइम से इसका निर्णय लेना है आपको ठीक है ना और मुझे पूरी उम्मीद है जन्माष्टमी समाप्त हो गया है तो ये जो डबल वैलिडिटी है ये रात बारह बजे बंद हो जाएगी बाकी मैंने आपके लिए एम में पिछले दस महीनों से एक पांव पे खड़ा होकर मेहनत किया हूं मैं वचन दे सकता हूं कि इस बार जीडी में बहुत बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव आपको उसका आगाज पिछले दस महीने से मैंने करके रखा हुआ है तो बी रेडी बी प्रिपेयर मस्त पढ़ा जाएगा यार आदरणीय अतुल सर हैं अक्षय सर हैं अभिनंदन सर हैं पवन सर हैं पूरी एस एस अड्डा की टीम जी जान लड़ा देगी एक बार आप अपने लिए तो तैयारी करिए एक बार आप अपने लिए तो रेडी होइए मेरी बात को गौर से सोचना और इस पे आपको करीब अठहत्तर परसेंट तो ऑफ मिल ही जाएगा सतहत्तर परसेंट ये कूपन कोड लगाएंगे तो चलिए शुरू आपको मैं मैं बता दूं कि अब इसके बाद जो मैं आपके लिए सेशन लेने वाला हूं वो आज का बड़ा खास मुद्दा है जो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि आज का द टेन मिनट शो सो, सोवा एपिसोड है और बहुत ही अच्छा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं क्या आपके ओ, जीडी के महापैक के साथ ठीक है ना जीडीके के महापैक के साथ तो शुरुआत करें आज के दिन मिनट शो की आज के दस टेन मिनट शो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी कि आप भी कहोगे सर मजा आ गया ठीक है ना आप भी कहोगे सर मजा आ गया वो मैं आपके लिए अभी ये देखिएगा ये है आज का दिन मिनट शो ये मुद्दा ये है देखिए एक थंबनेल पे लगा होगा आपके लिए इंडिया या भारत क्यों है चर्चा में 18 सितंबर उन्नीस सौ उनचास साल पहले संविधान सभा की बैठक में बहस हुई थी कि देश का नाम भारत हो या इंडिया और फिर 18 सितंबर 2023 आज से शायद 10 दिन बाद संसद का विशेष सत्र है और भारत की बहस अभी से जारी हो चुकी है तो आपका द टेन मिनट शो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं तुरंत ये थमने लगा होगा देखिए मोदी जी अपना और इनका भी प्राइम मिनिस्टर स्वागत रहेगा जाएगा ऑटो पे कर लीजिए ठीक है सेलिब्रेट एक सौ एकवे पे किया जाएगा सब लोग यहां आ रहे हो ना प्लीज दोस्त तीन हजार स्टूडेंट से प्लस होने चाहिए इंडिया या भारत वाले डिस्कशन पे आपको भी अपना विचार देना यह आपके देश की बात है तो आपको आना है ठीक है ऑल द बेस्ट बाय बाय आइए यहां पे मैं वेट कर रहा हूं